इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ कुरतुलैन शिराज़ी। मैं इस वक्त सेंट लॉरेंस मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जिसे तकरीबन सीडीए तर्जुमान के मुताबिक रात 2 बजे के करीब जो है सील किया गया था। और सीडीए का ये कहना है कि नॉन कन्फॉर्मिंग यूज़ की वजह से सेंट लॉरेंस मॉल को सील किया गया है। और इससे कबल जो है इस मॉल को 7 के करीब जो है नोटिसेस जारी किए जा चुके हैं, और जिसमें कहा गया है कि जो किसी भी मॉल का या किसी जगह का जो तजारती मरकज़ होता है उसका एक लेओवर प्लान होता है, जिसको जिसपे पार्किंग एरिया और जो है सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसके समेत कई जो है फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसको आपने पूरा करना होता है, तो उनको पूरा नहीं किया गया। इस वजह से आज 8वें नोटिस के बाद जो है, जो कि 2 दिसंबर को जारी किया गया था, आज जो है सेंट लॉरेंस को जो वो सील किया गया है। मेरे अकम में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट भी जारी है। तकरीबन 3 घंटे से सेंट लॉरेंस मॉल के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक ताजिर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको आपका कहाँ से ताल्लुक है और किस तरह की मुश्किल का आपको सामना है सेंट लॉरेंस मॉल सील होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल हमारी फर्स्ट फ्लोर पे ट्रेडिशन लेदर के नाम से हमारी शॉप है और हम इधर काम करते हैं, और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। असल में बात हमें करने का मेरा मकसद ये है कि आपके सामने हम लोग 4 घंटे से हमें ये सारे साथी और ये बेचारे सारे जॉब वाले हैं, इनमें कोई ओनर बेचारे भी खड़े हैं और जॉब वाले भी, और काफ़ी काफ़ी दूर से ये लोग आए हुए हैं और सुबह ये आए हैं बेचारे अपनी रोज़ी के लिए, और इधर ये सेंट लॉरेंस मॉल इन्होंने क्लोज कर दिया है। इन लोगों की आपस की लड़ाई झगड़े में हम गरीबों का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासत से ना, हमारा पीटीआई से ना, हमारा नून लीग से, हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है अपने बच्चों की जात से। हम इंतज़ार में कि जी माल खोले, हम अपनी जॉब से बचाएँ, हमारी पे ना कटे, हमारे गरीबों को कौन देख रहा है। आप लोगों की आपस की लड़ाइयों में, आपस के झगड़ों में हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा ये है कि हमें इज्जत के साथ हमें काम करने दें। हम आपसे कुछ नहीं लेते कि जी आपने महंगाई कर दी, आपने क्या कर दिया, आप हमें कमाने दें तो हम इस महंगाई का मुकाबला करें ना। मेहरबानी। सी डी ए की जानिब से कहा गया है कि जब तक उन नॉन कन्फॉर्मिंग यूज़ को या जो जो चीज़ें जो अलाइन नहीं करती रूल्स के मुताबिक उनको रिमूव नहीं किया जाएगा, तब तक सेंट लॉरेंस मॉल जो है वो सील रहेगा।